आपका? मैं क्या समस्या बताओ? समस्या ये है, वहाँ कोई मस्जिद का विवाद चल रहा है और हम ये चाहते हैं कि हमें हम लोग अमान चाहिए और हम लड़ाई से दूर रहना चाहते हैं, हमें आलाकारियों से इंसाफ चाहिए। तो ये गांव का मामला है, मस्जिद का मामला है? बंद कर देते हैं और नमाज के लिए हम लोग परेशान हैं, दो चार लोग उनके साथ में वही वहाँ नमाज पढ़ते हैं। 4000 कल गेट में अंदर से ताला भी लगा दिया था, उनका एक रास्ता पुराने घर से मस्जिद में आता है, नया रास्ता कब्र से खोलना चाहते हैं और सामने बहुत बड़ा गेट भी है और उनका रास्ता भी है, वो वहाँ से रास्ता नहीं खोलना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में हमें मेहमान चाहिए और हम शांति से रहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? किस समस्या को लेकर जिला कार्यालय पे आए हो आप? कलेक्ट्रेट पे बात है जो काफ़ी समय से चल रहा है और जो एक क्या नाम बिलाल इस्लाम है हमारे गांव के। हेलो, हाँ बिलाल इस्लाम जी है, तीन भाई हैं, तो तीनों भाई बाहर के हैं। पहली बात तो हमारे यार बाहर के लोग हैं और मस्जिद में आके जबरदस्ती विवाद खड़ा कर रहे हैं, दो बार मस्जिद की दीवार गिरा चुके हैं वो, जिससे पुलिस की सहायता से हम लोगों ने दो बार दीवार को बना लिया है, अब तीसरी बार दीवार खसाने की तराक में है वो। और जबरदस्ती इमाम को मौलाना है नहीं राइट देने की बात की और मस्जिद में जबरदस्ती इमामत करना चाह रहे हैं, पागल का सर्टिफिकेट देकर गाँव वालों को धमकी देते हैं। मैं कुछ भी कर दूँ, कुछ भी हो सकता है, मैं किसी को मार भी दूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन लोग कहते हैं ये? ये है बिलाल नाम है, बिलाल नमाज पढ़ा रहे हैं। गांव में रहते हैं? गांव के नहीं है, बाहर के हैं, रहने वाले तीनों भाई बाहर के हैं। अच्छा, भोजपुरा के हैं। पूरा गांव हमारा एक तरफा है और सब 4000 की आबादी, 4000 की आबादी में 4-6 लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो इस संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय को आप ज्ञापन देने आए हैं? जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है अपनी तरफ, प्रार्थना पत्र दिया। अच्छा अच्छा, और हम चाहते हैं इसमें हमारी मदद की जाए। क्या मामला है? क्या मामला है बजट का? रोड है